ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों हम हर रोज़ आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, हम भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको धन प्राप्ति का एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। यह उपाय बेहद सरल है, इसे कोई भी व्यक्ति आराम से कर सकता है। दोस्तों बस याद रखिएगा, यह उपाय गुप्त है तो इसे आप गुप्त तरीके से ही करें। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे आप यदि पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिनको भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। दोस्तों चलिए अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों लहसुन हर घर में पाया जाता है। लहसुन एक ऐसी वस्तु है जो खाने का स्वाद बढ़ाती है, लेकिन इसी के साथ लहसुन एक ऐसी चीज़ भी है जो बेहद शक्तिशाली है। तंत्र मंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने की ताकत रखती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ हमेशा ही कुछ ख़राब होता रहता है और आपके सारे बनते काम बिगड़ जाते हैं, ये आम बात है आपके लिए, तो आपको करना क्या है, आप अपने साथ एक लहसुन रखें। जी हाँ दोस्तों, अपने साथ लहसुन से मतलब लहसुन की एक कली भी रखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि लहसुन जो भी नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी होती है उसे सोख लेता है अपने अंदर, तो आपकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा कर रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, आपके सारे काम बनने लगेंगे। क्योंकि अधिकतर सही काम जब ही बिगड़ते हैं जब ऐसी कुछ नकारात्मक ऊर्जा का आप पे साया होता है। दोस्तों इसी के साथ आप चाहें तो इसे अपने पायदान के जो कि मुख्य द्वार का पायदान होता है उसके नीचे भी रख सकते हैं, जिससे कि कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी व्यक्ति गलत विचारों के साथ आपके घर में प्रवेश ना कर सके। जैसे ही वो करेगा उसकी सारी नकारात्मक सोच सब खत्म हो जाएगी। तो एक कली आप घर के पायदान के नीचे रख सकते हैं। यदि आपको बेहद डरावने सपने आते हैं रात में, बहुत से लोगों को आते हैं और आप डर के मारे एकदम उठ जाते हैं, तो आप तकिए के नीचे लहसुन एक की एक कली रख सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ पर चाकू को भी रख सकते हैं तकिए के नीचे, इससे यह सपने भी आने बंद हो जाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, परीक्षा के लिए जा रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर आप अपने किसी काम धंधे के चलते अपने किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो भी आप पर्स में लहसुन की एक कली रख लें। इससे आपको आपके काम में सफलता मिलेगी, कोई भी बाहरी शक्ति आपका कुछ काम बिगाड़ नहीं पाएगी। दोस्तों लेकिन ये याद रखिएगा कि कर्म करना आपका काम है, यानी कर्म आप करिए, कर्म प्रधान है, कर्मवीर बनिए, आपको आपके जो भी कार्य हैं उनमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हमारे उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं होती, कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके काम बिगाड़ती थी, जिसके कारण आपको निराशा हाथ लगती थी, वह सब इन उपाय को करने से समाप्त हो जाएगा और आपके लिए नए नए मार्ग भी खुलेंगे धन के, और आप देखेंगे आप दिन दुगनी रात चौगुनी इतनी तरक्की करने लगेंगे। यह उपाय सुनने में साधारण लगता है लेकिन इसका फल असाधारण है दोस्तों, क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है तो सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा आती है वहाँ माँ लक्ष्मी आ जाती हैं, जहाँ माँ लक्ष्मी होती है वहाँ वह घर धन धान्य से भर जाता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।